नेक्स्ट, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, दो हमने पढ़ चुके थे काइंड्स, जो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब। सो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लेस को इंडिकेट करना, मॉडिफाई करना। जैसे यहाँ पर वर्ड गिवन है अपस्टेयर हो गया, आउटसाइड हो गया, देयर हो गया, एनीवेयर हो गया। तो इसमें हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटसाइड, चिल्ड्रन बहुत पसंद करते हैं बाहर खेलने के लिए, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो एडवर्ब वर्ड यूज हुआ है इन सब में से कौन सा हो जाता है, आउटसाइड, बिकॉज ये इंडिकेट करता है प्लेस को। सो नेक्स्ट आता है यू नीड टू सिट हियर। सो यहाँ पर क्या बात करेंगे, आपको यहाँ बैठने की जरूरत है, तो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा हो गया हमारा, हेयर वर्ड योर हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि यहाँ पर यूजुअली, नॉर्मली, ऑलवेज, सम टाइम। सो यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं होती। सो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि ही नेवर फिनिशेस हिज होमवर्क ऑन टाइम, ये कभी भी अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं करता। सो इसमें हमारा एडवर्ब वर्ड यूज हो जाएगा नेवर, कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा, नेवर। नेक्स्ट होता है कि वी ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस, हम हमेशा स्कूल कैसे जाते हैं, बाय बस जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा वर्ड, एडवर्ब इज ऑलवेज, बिकॉज हमेशा। सो दैट्स अवर फ्रीक्वेंसी। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री में क्या वर्ड यूज होते हैं, जैसे इनफ, सो, टू, एक्सट्रीमली, ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है द वॉटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, पानी जो है मेरा बहुत ठंडा है। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एक्सट्रीमली इज अ वर्ड, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है यू वॉक टू स्लोली, आप चल रहे हो बट बहुत स्लो से चल रहे हो, बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। सो स्लोली इज अ वर्ड, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। सो ये आप सबको पता है कि हमें इंटरोगेटिव वर्ड से ही समझ में आता है, लाइक अ क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पर क्या गिवन है, हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया। तो जैसे हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं, आप यहाँ पर वेन वर्ड ले लो, या वाई वर्ड ले लो, या हाउ ले लो, ये सारे वर्ड हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरोगेटिव में आप यूज करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है एक एग्जाम्पल, हाउ डिड यू डू दिस, तो हमारा इसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया हाउ, इसमें हमारा क्या हो जाएगा वेन, क्यों, क्योंकि ये हमारा मॉडिफाई कर रहा है कि ये हमारा किसको दर्शाता है, क्वेश्चन को दर्शाता है। तो ये हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं।